हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका मीठा खाने का मूड है और आप झटपट बिना मेहनत कुछ मज़ेदार सा बनाना चाहते हैं तो आप इस अरेबियन पुडिंग की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी बनाने में जितनी ज़्यादा सिंपल है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप ठंडा दूध ले लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर को डाल दूंगी और उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अभी हम इसको एक साइड पर रख देंगे और एक पैन ले लेंगे। पैन में पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से पैन की तली पर फैला लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर दूध। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध का यूज़ किया है, आप टोंड दूध भी इसके लिए यूज़ कर सकती हैं। तो इस दूध को हमें बहुत अच्छी तरीके से बॉईल करना है और जब दूध में एक अच्छा सा बॉईल आ जाए तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी डाली है। इसमें हम चीनी का यूज़ बहुत कम करने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और बॉईल करेंगे और जब इसमें बहुत अच्छा सा एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद ये जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है इसको हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस दूध में डाल देंगे। दूध में डालने के बाद हमें इस दूध को लगातार चलाते रहना है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये हमारा एक कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं साइड से ये जो मलाई जम रही है इसको स्क्रेप करके बीच में मिलाती जा रही हूँ और इसको लगातार मैं चला रही हूँ। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और जब ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए, जब ये चम्मच की बैक साइड को इस तरीके से कोट करने लगे तो आप इसको बंद कर दें और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद ठंडा कर लें। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए ठंडा करना है क्योंकि इसके ऊपर हमें एक मलाई नहीं जमने देनी है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लिया है, इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी और एक दूसरे बोल में मैंने अमूल क्रीम ले ली है। तो यहाँ पर मैं अमूल क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं है तो आप इसमें मलाई का भी यूज़ कर सकती हैं या आप इसके लिए व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकती हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है, साथ ही 2 चम्मच भर के मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए और बीट करेंगे क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है, तो मैं इसको इसी हैंड ब्लेंडर से थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तो इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी। तो देखिए, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। इसके बाद मैं इसको निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे। इसी टाइम पर हम ये जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है इसको ले लेंगे। ये भी ठंडा हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा सा रोज सिरप डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ इसीलिए कम किया था क्योंकि मैं इसमें रोज सिरप डाल रही हूँ। रोज सिरप पहले ही मीठा होता है, इसीलिए मैंने इसमें चीनी का यूज़ थोड़ा सा कम किया था। तो इसमें मुझे कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रोज सिरप और डाल दिया है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको भी हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे। तो हम इन ब्रेड स्लाइसेस की एजेस को हटा लेंगे और उसके बाद हम इन्हीं से पुडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन ब्रेड स्लाइसेस की एजेस को मैंने हटा लिया है और हटाने के बाद अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे जिसमें कि हम पुडिंग को बनाएंगे। और इसमें पहले हम एक लेयर नीचे जो रोज़ वाला कस्टर्ड हमने बनाया है उसकी लगा देंगे और इसके ऊपर मैं ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइसेस को इसके ऊपर अरेंज कर दिया है। तो ब्रेड स्लाइसेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक लेयर कस्टर्ड की और पोर करेंगे और इन ब्रेड स्लाइसेस को कस्टर्ड से पूरी तरीके से कवर कर देंगे। तो मैंने कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है और कस्टर्ड की एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ब्रेड की एक लेयर और लगाऊंगी। ब्रेड की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर और लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रेड की 2 ही लेयर लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें जितनी भी लेयर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी कस्टर्ड अच्छी तरीके से पोर कर दिया है और उसके ऊपर फिर हम ये क्रीम डाल देंगे और क्रीम को भी बहुत अच्छी तरीके से फैला देंगे। तो क्रीम डालने के बाद आप चाहे तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें जिससे कि इसकी ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी सेट हो जाए। मैंने क्रीम की एक लेयर लगा दी है और इसके ऊपर हम फिर डेकोरेशन करेंगे। तो
तो मैं इसको थोड़े से रोज़ सिरप से और पिस्तों से डेकोरेट करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको जैसे भी चाहें डेकोरेट कर सकती हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल दूँगी और इसको टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से फैला दूँगी जिससे कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। और फिर इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता लगा दूँगी जिससे ये देखने में भी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसको डेकोरेट करने के बाद इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए और उसके बाद आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। तो मैंने इसको डेकोरेट करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। तो जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके जो पीसेस हैं बहुत आराम से निकल आएंगे। तो देखिए इसके पीस जो है बहुत इजीली निकल के आ रहा है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी सिंपल सी डेजर्ट की रेसिपी को बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए और अगर उनको ये रेसिपी खाने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें। फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।